फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अजय यादव। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में, जहां एक बार फिर से मैं आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम श्रीदेवी स्पेशल लेकर हाजिर हूं। जी हां, आज मैं आप सभी से इस प्रोग्राम में बात करने वाला हूं श्रीदेवी की ही बड़ी बेटी जाह्नवी कपूर के बारे में, जिनका धड़क का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है। और इस ट्रेलर लॉन्च के मौके पर जाह्नवी जहां नजर आई हैं, तो वहीं इन्होंने माँ श्रीदेवी को लेकर काफी सारी बातें बताई हैं। जी हाँ, खास तोहफा कहा जाए तो वो तोहफा है धड़क का। दरअसल श्रीदेवी के टाइम पर ही जाह्नवी कपूर को धड़क फिल्म मिल गई थी, और धड़क फिल्म मिलने के पीछे का कारण मनीष मल्होत्रा थे, जो कि श्रीदेवी के काफी करीबी दोस्त हैं। आप ये भी जानने वाले हैं आज के इस प्रोग्राम में कि कैसे जाह्नवी को ये फिल्म मिली, जाह्नवी ने क्या क्या बातें की हैं माँ श्रीदेवी की टिप्स पर, एक्टिंग टिप्स जो उन्होंने दी हैं, तो वहीं रिपोर्टर कैसे मजाक बना रहा था जाह्नवी कपूर का, और जाह्नवी ने कैसे साथ के साथ एक बड़ा ही धमाकेदार, बड़ा ही मुंहतोड़ जवाब दिया, आप ये देखने वाले हैं। तो वहीं आप ये भी देखेंगे कि कैसे जाह्नवी कपूर इस फिल्म को लेकर खबरों में रही, और साथ ही जाह्नवी को पिता बोने के ऊपर उन्होंने क्या बात की। डाली नजर हमारे इन रिपोर्ट्स पर। वह हाल ही में ट्रेलर लॉन्च ऑफ धड़क पर मौजूद दिखी जाह्नवी और साथ ही ईशान भी। तो वहीं यहाँ पर कैसे श्रीदेवी को याद किया है जाह्नवी ने, और कैसे उन्होंने ये बताया है कि क्या नसीहत दे गई थी श्रीदेवी, और कैसे आज भी जाह्नवी के अंदर जिंदा है श्रीदेवी, जैसा कि ट्रेलर को देखकर लोग बोल रहे हैं, और क्या कहा है जाह्नवी ने, आइए आपको सुनाते हैं। जाह्नवी जब फिल्म का मुहूर्त हुआ था राजस्थान में, तो श्री मैम भी वहाँ पे थे। आप किस तरीके से याद करते हैं, और आज का काफ़ी अहम दिन है, पापा भी आए हैं, फैमिली भी आई है, हाउ यू गोना डेडिकेट दिस? आई डेफिनेटली मिस हर टुडे। या वी विल कीप इट टू दैट। नमस्कार, मैं रेखा खान, आप सबको आपके लेफ्ट साइड, हाँ जी, आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। ट्रेलर बहुत अच्छा है, बहुत सारी शुभकामनाएं। जाह्नवी, आपसे ही सवाल है, हम लोग ये बहुत जानना चाहते हैं कि कौन सी श्री जी की टिप्स हैं या एडवाइस हैं जो आप अपने करियर में आगे ले जाएंगी, क्योंकि आप अब जो कहते हैं ना कि वो झलक जो है वो बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छा लग रहा है ट्रेलर, लेकिन इस चीज़ को आप कैसे आगे देखेंगी, क्या टिप्स आप उनके याद रखेंगी अपने एक्टिंग करियर में? फर्स्टली थैंक यू। The biggest and I think the most helpful tip that she's given me is to work hard and feel every emotion, and I think that I've tried to do that, so yeah. And Ishan, जी हाँ, हाल ही में करण जौहर पहुंचे हैं जाह्नवी ईशान के साथ ट्रेलर लॉन्च ऑफ धड़क पर। तो वहीं यहाँ पर करण जौहर ने ये बात की है कि कैसे कास्ट किया गया था जाह्नवी कपूर को फिल्म में। जी हाँ, कहीं ना कहीं श्रीदेवी ने अपनी बेटी जाह्नवी को खास तोहफा दिया है, जो कि धड़क के रूप में ही है। एक खास तोहफे का खुलासा जहां श्रीदेवी के निधन के इतने लंबे टाइम के बाद हुआ है, तो वहीं आपको सुनाते हैं खुद करण से ही कि कैसे श्रीदेवी अक्सर ही मनीष से बात किया करती थी, और मनीष ने कैसे करण से बात की। की भी हुई जब वो मेरे कैबिन में आए थे मुझसे मिलने, तो मेरा ये यही है कि इंस्टिंक्ट बेस्ड वो पहली फीलिंग जो आ जाती है हमारे जहन में, वो आई थिंक ऑलवेज डिक्टेट्स मोस्ट ऑफ माय डिसीजंस। विद जाह्नवी, मनीष मल्होत्रा ने जाह्नवी ऑलमोस्ट उनके मैं हमेशा बोलता हूँ मनीष उनके फैशन फादर है, और बहुत करीबी रिश्ता है उनका जाह्नवी की परिवार के साथ। तो मनीष बहुत बातें करता था जाह्नवी के बारे में, एंड यू नो आई ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक आई न्यू हर एज वेल। सो वन डे आई हैपन टू जस्ट यू नो गो एंड मीट हर फैमिली, एंड उसके बाद मैं जाह्नवी से अकेले में मिला, और मेरे पास कुछ ऐसे कविताएं थी, कुछ ऐसे डायलॉग्स थे, बस मैंने कहा बैठे बैठे बस ऐसे तुम पढ़ लो, और मैंने उसकी आंखों में वो एक एक्साइटमेंट देखी, एक बड़े पर्दे को फेस करने की एक बहुत बहुत बेकरारी एक एक्साइटमेंट, और मुझे पता चल गया कि जस्ट लाइक हर अमेजिंग लीनियज, ये भी बड़े पर्दे में बहुत छा सकती है, एंड शी विल शाइन, एंड दैट वाज द रीज़न व्हाई वी डिसाइडेड टू गो अहेड एंड मेक दिस फिल्म। जी हाँ, करण जौहर जहाँ मौजूद रहे हाल ही में धड़क की ट्रेलर लॉन्च के मौके पर, तो वहीं यहाँ पर जाह्नवी कपूर की इंसल्ट करता हुआ दिखा रिपोर्टर। जी हाँ, यहाँ पर रिपोर्टर ने कहा कि जाह्नवी ठीक से पहले हिंदी भी नहीं बोल पाती थी, लेकिन इस बार
कैसे वो नई भाषा बोल पा रही हैं, तो इस पर क्या जवाब दिया जानवी ने, आइए आपको खुद उन्हीं से सुनाते हैं। करण और पूरी टीम, मतलब इस फिल्म को हम लोग बहुत अच्छे से कई बार हम लोगों ने देखा है, सुना है, खूब पढ़ा है इस बारे में। तो इस फिल्म को हमने खूब देखा है, सुना है, पढ़ा है, खूब चर्चा हुई है, लेकिन उसके बाद भी जब इस फिल्म का ट्रेलर हम देख रहे थे तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, और जब धिंगाट गाना बजता है तो सचमुच दिल धड़कने लगता है, धड़क धड़क। और इस आपके इस ट्रेलर की तारीफ इसलिए भी बार बार, और मुझे लगता है हर किसी को करनी चाहिए, एक बार हो गई तो नहीं, क्योंकि आपका जो नर्वस स्ट्रेन है, जो आपकी पहली फिल्म है, वो खत्म हो जाए जो नर्वस है आपके अंदर, क्योंकि बहुत खूबसूरत ट्रेलर है। और पहली बार जब जानवी से हम लोग मिले थे कभी, तो एक मैगजीन का लॉन्च था, तब वो हिंदी नहीं बोल पा रही थी, लेकिन आज जब वो राजस्थानी बोल रही थी तब लग रहा था कि बहुत काम किया है उन्होंने भाषा पे। आपके मुंह में घी शक्कर। तो मैं चाहूंगा कि आप राजस्थानी भाषा में अपनी फिल्म के बारे में कुछ बताएं, ताकि वो हमारे लिए भी, हम दिखा सके लोगों को कि वो सच में भी बोलती है, फिल्म के लिए भी नहीं कहा उन्होंने। एक लाइन है तो बोल दो, पूरी चर्चा करने की जरूरत नहीं है। मने मेवाड़ी आवे। जी हाँ, हाल ही में करण जौहर ने होस्ट किया ट्रेलर लॉन्च ऑफ धड़क, जहाँ पर जानवी कपूर ने काफ़ी सारी बातें की हैं। जी हाँ, श्रीदेवी को लेकर तो वो अक्सर ही बात करती नज़र आती रहती हैं, लेकिन इस बार उन्होंने बात की है अपने पिता बोनी को लेकर। दरअसल उनसे पूछा गया एक सवाल, जिसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि पापा उन्हें बहुत सारा प्यार देते हैं, लेकिन उन्होंने उन्हें कोई टिप नहीं दी। जी हाँ, और क्या क्या कहा जानवी ने, आइए आपको खुद उन्हीं से सुनाते हैं। हेलो जानवी जी, यहाँ पे लास्ट सवाल है लेडीज। मेरा सवाल आपसे है कि फादर्स डे है अभी 17 को, और आपके डैडी आपके साथ है, और एक तरह से वो आपके आज का आदर्श है, सब सपोर्ट दे रहे हैं, तो आप, मेरा सवाल ये है कि आपके डैडी ने आपको क्या टिप दिया एज ए हीरोइन? मेरे लिए था ये सवाल। या मेरे लिए था, मैं हीरो नहीं लगता। फादर्स डे रिलेटेड जी, हाँ, पापा ने एक्चुअली कोई टिप नहीं दिया, लेकिन बहुत सारा प्यार दिया है मुझे, एंड अ लॉट ऑफ सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट, एंड आई थिंक दैट मींस मोर देन एवरीथिंग। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन। जी हाँ, हाल ही में करण जौहर ने होस्ट किया ट्रेलर लॉन्च ऑफ धड़क का, जहाँ पर जानवी कपूर और ईशान भी नजर आए। इसी के बीच नजर आया पूरा परिवार श्रीदेवी का। जी हाँ, जानवी कपूर को सपोर्ट करने के लिए पूरी फैमिली जहाँ आई है, तो वहीं यहाँ पर श्रीदेवी को याद कर कैसे भावुक हुई हैं खुशी कपूर, कैसे बहुत ज़्यादा वो रोने लगी अपनी बहन जानवी से लिपट कर, आइए आपको दिखाते हैं। दोस्तों, देखा होगा आप सभी ने कैसे जानवी कपूर ने बताया कि उनके पिता बोनी कपूर ने उनको कोई एक्टिंग टिप्स तो नहीं दिए हैं, उनके करियर में कोई टिप्स तो नहीं दिए हैं, लेकिन पूरा सपोर्ट और प्यार, जिसकी ज़रूरत एक बच्चे को सबसे ज़्यादा होती है, वो उन्हें बखूबी मिला है अपने पिता बोनी कपूर से। दोस्तों, आपने ये भी जाना कि कैसे जानवी कपूर को एक तोहफा मिला है, जो कि श्रीदेवी का ही ये तोहफा माना जा सकता है, क्योंकि धड़क जो है उन्हीं के करीबी दोस्त मनीष द्वारा करण जौहर से बात करने के बाद उनको जहां मिल पाई थी। ऐसी खबरें जो बॉलीवुड गलियारों में वायरल रही थी, तो वहीं आपने ये भी जाना कि कैसे तमाम सितारों ने, यानी कि जानवी कपूर ने बात की, ईशान ने बात की, और करण जौहर ने बात की, जो आपने इस वीडियो के जरिए खास तौर पर देखा ही होगा। वेल दोस्तों, ये था मेरा आज का बेहद खास प्रोग्राम श्रीदेवी स्पेशल, जिसमें आज मैंने आपसे स्पेशली बात की श्रीदेवी की बड़ी बेटी जानवी कपूर के बारे में, कि कैसे माँ का सपना, यानी कि वो अपनी बेटी को सुपरस्टार बनते देखना चाहती थी, उस सपने की तरफ पहला कदम बढ़ा चुकी हैं जानवी कपूर, जो कि धड़क का ही है। वेल दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। बॉलीवुड से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।